गुड आफ्टरनून स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कभी ट्वेल्व वाले, वाले का एलेवंथ वाले का सबका मंथली एग्ज़ाम चल रहा है स्कूल में आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम तो खैर अनिवार्य है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूम पे बैठे रहते हैं और क्लास करने के लिए नहीं आते हैं मैं ऐसे बच्चों को बता दूँ सिर्फ वीडियो देख के अपना ये कर पढ़ते हैं तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मैं एक बात बता दूं, ये वीडियो जो है बस सोमवार तक आपके ग्रुप में जाएगा फिर मंगल से वीडियो ग्रुप में नहीं भेजेंगे सबको ऑफलाइन आके क्लास करना होगा क्योंकि कुछ बच्चे से पता चला कि इंग्लिश मीडियम में कुछ बच्चे ऐसी हैं जो रूम पे रहती हैं क्योंकि इस समय एग्जाम भी नहीं होता है फिर वो क्लास करने के लिए नहीं आती हैं सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है एग्जाम चल रहा है स्कूल में ठीक है एग्जाम चल रहा है स्कूल में तो छः बजे आने में क्या दिक्कत है छः बजे शाम का क्लास है सुबह सात बजे क्लास है छः बजे क्लास है आठ बजे क्लास है चार बजे क्लास है उस समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से तो आप लोगों को बता दें क्लियर रूप में कि सभी बच्चे बच्चे ध्यान से एक बार सुन लीजिए क्योंकि बेटा अब जो है समय आपका बहुत अंतिम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देंगे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ रोके हुए हैं आप पढ़ा देंगे तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा फिर समझ में ऑनलाइन से पचास बार वीडियो भी देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा ऑफलाइन में एक बार में खाली क्लास में प्रेजेंट रहेगा आपको समझ में आ जाएगा ये तो ऑनलाइन तो सिर्फ उसके लिए है ना जो दूर दराज के बच्चे हैं जो नहीं आ पाते हैं जो नहीं है भागलपुर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं उसके लिए है लेकिन जो भागलपुर में रहते हैं रूम पे रहने के बाद भी वो तो क्लास नहीं करते हैं तो मैं बता दूं कि मंगलवार से वीडियो नहीं जाएगा ग्रुप में सिर्फ सोमवार तक ही सिर्फ तो मंगलवार से सभी बच्चे ऑफलाइन प्रेजेंट हुई है। ठीक है क्योंकि ऐसे फिर तो बच्चे आते हैं बच्चे ऐसा नहीं कि आ रहे आ रहे हैं बच्चे बहुत बच्चे आ रहे हैं और जितना की उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा ही बच्चे सब प्रजेंट हैं लेकिन फिर भी जो बच्चा सबकी अच्छा रिजल्ट मेकर सब हैं अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं वो सब रूम पे सोए रहते हैं अब पता जब करते हैं पता चलता है कि रूम पे सोए हुए हैं क्लास नहीं करते तो गलत बात है सब क्लास कीजिए पापा मम्मी आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं इसका फ़ायदा उठाइए और एक बात बता दें मैं मैं बता दूँ कि बच्चों की उपस्थिति को देखते हुए आज और कल अब क्लास सस्पेंड कर रहे हैं मंडे से ही आना है मंडे से क्लास वगैरह सब पढ़ाएंगे अब बाकी तब तक तो इधर ऑनलाइन का वीडियो जो है वो आपको क्लास लेके भेजते जाएंगे ठीक है तो आज और कल अब मंडे को ही आइएगा सभी बच्चे सुबह के विषय बच्चे शाम के विषय बच्चे टोटल जितने भी बैच के बच्चे हैं चाहे भागलपुर सराय हो नाथनगर कहीं का भी स्टूडेंट हो सभी बच्चे अब आज नहीं आना है कल नहीं आना मंडे को ही आना है ठीक है मंडे से ही पढ़ाएंगे क्योंकि हम अभी कोचिंग में ही है बच्चों की उपस्थिति को देखते हुए ये निर्णय ले रहे हैं सुबह वाला बच्चे तो ठीक आता है एकदम पूरा बैच फुल हो जाता है लेकिन शाम के बच्चे सब थोड़ी परेशानी हो जाती है इसीलिए सभी सुबह शाम टोटल बैच अब मंडे को ही आना है ठीक है ठीक धन्यवाद मंडे को आइएगा अब मंडे को याद मंडे को लाइव करेंगे फिर उसके बाद मंगलवार से वीडियो नहीं भेजेंगे याद रखिएगा इसका छोटे का समय लीजिएगा और किसी का भी वीडियो पढ़ लीजिएगा बढ़िया नंबर नहीं आएगा यह बस दिमाग में सेट कर लीजिए आप क्योंकि लिखाने का तरीका सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं ठीक है इसीलिए मंडे से सभी को क्लास आना है ठीक है धन्यवाद